अप्रैल मई जून का पैसा कब आएगा यूपी के अंदर? देखिए, कल की वीडियो में हमने बताया था कि पेंशन का पैसा जो पीएफएमएस पोर्टल पर चढ़ गया है, अंडर प्रोसेस में है, और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कल 22 जून 2024 को एक विधवा पेंशन का पैसा बैंक में रिसीव हो गया है। आपको वीडियो में बने रहना है। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जो विधवा पेंशन है, आप इस स्क्रीनशॉट में देखिए। इस स्क्रीनशॉट में उसका पैसा जो है, उसकी पेंशन जो है, उसके बैंक अकाउंट में रिसीव हो चुकी है। अभी तक सभी की पेंशन का पैसा रिसीव नहीं हुआ है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन को भी दबा दे। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। हम बात कर रहे हैं यूपी राज्य की। देखिए, यूपी राज्य में अप्रैल मई जून का जो पैसा भेजा जाना है वो 1000 रुपए महीने के हिसाब से भेजा जा रहा है। कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिनका अभी पेमेंट जो है पेंशन का पीएफएमएस पोर्टल पर भी नहीं शो कर रहा है, और कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिनका पीएफएमएस पोर्टल पर पेमेंट चढ़ गया है, शो कर रहा है, और कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिनका पेमेंट जो है बैंक में रिसीव आना शुरू हो चुका है। विधवा पेंशन का, दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन सभी की 30 जून तक लगभग भेज दी जाएगी। जिस किसी की 30 जून तक पेमेंट नहीं आए तो एक बार वो अपने बैंक की केवाईसी चेक कर ले और अपना जो पेंशन है उसमें भी आधार कार्ड लिंक कराते। पेंशन में आधार कार्ड लिंक कराने के लिए आपको अपने नजदीकी जहां पर भी विकास भवन होता है, पेंशन ऑफिस होता है, वहां पर आपको जाना होगा। वहां पर आप अपनी केवाईसी चेक करा सकते हैं। 30 जून तक लगभग सभी की पेमेंट, सभी के अकाउंट पेंशन लाभार्थी के खाते में पहुंचने की संभावना है। कुछ पेंशन लाभार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अफवाह फैला रखी है कि हमारी पेंशन आ गई है। देखिए, अभी जो है सभी की पेंशन नहीं आई है। कल से पेमेंट जो है बैंक में जाना शुरू हुआ है, वो भी विधवा पेंशन का। और दिव्यांग व्यक्ति बोल रहे हैं कि हमारी पेमेंट, हमारी पेंशन आ गई है, ये सब बिल्कुल अफवाहें हैं। मैंने कल की वीडियो में ये भी बताया है कि आप अपनी पेंशन कैसे चेक कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में अपने ही मोबाइल से घर बैठे, कि हमारे अकाउंट में हमारी पेमेंट आई है, हमारी पेंशन आई है या नहीं आई है, और आई है तो कौन से बैंक में आई है और कौन सा मोबाइल नंबर हमारी पेंशन में लिंक है। आप बिल्कुल फ्री में चेक कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा जो कल की वीडियो है। उस कल की वीडियो में मैंने ये भी बताया कि आप पेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं, आप अपनी पेंशन कैसे चेक कर सकते हैं, पीएफएमएस पोर्टल पर पेंशन कैसे चेक की जाती है और कौन से अकाउंट में पेंशन गई है, सारी जानकारी उस वीडियो में दी गई है। आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं।